अब ध्यान देना आप लोग सो लास्ट पोर्शन पे आ चुके हैं ऑलरेडी तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे दो रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था देखा था ना आप लोगों ने घर पे अच्छे से कौन सा क्वेश्चन आए पॉइंट okay, इलेवन से पढ़ेंगे ना हम चलो अब ध्यान दो एक्टिविटी वन पॉइंट इलेवन क्या बता रहा है कि टू स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड कॉपर का ऑक्सीडेशन करना है क्या करना है ऑक्सीडेशन अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही बाकी था ये तो आपने सिखा दिया था मैंने सिखाया था आगे याद है तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन की किसकी बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन की तो वन टू स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड कॉपर Cu को हम किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं कॉपर ऑक्साइड CuO तो कॉपर के अंदर कौन ऐड हुआ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एडिंग प्रोसेस या हाइड्रोजन लूजिंग प्रोसेस रिमूविंग प्रोसेस इज नोन एज विच प्रोसेस ऑक्सीडेशन ओके मैंने ऐसा सिखाया था ना आपको आया नहीं ऑक्सीडेशन मतलब वर्ड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एडिशन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया प्लस या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नया बात सिखाया था पता है इसके लिए ही मैंने ये चीज सिखाई थी ऑक्सीडेशन वाली आगे सिखाया था ना ऑक्सीडेशन एच टू के अंदर एच टो का इलेक्ट्रोलिस किया था तो एनोड एंड कैथोड दो इलेक्ट्रोड लिए थे मैंने बोला था ए कैरी एनोड पे ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है बात समझ में आई हाँ या ना तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन रिमोल रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन या रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाली बात आप इलेवंथ में जाके ऐड करोगे कब जाके ऐड करोगे बट अभी हम समझ ही लेते इलेवंथ में वो बहुत ज्यादा देर नहीं है पाँच छः महीने और गए आप इलेवेंथ में आ जाओगे एक साल और गया आपका ट्वेल्थ खत्म हो जाएगा बराबर और एक साल चल दो तीन साल चले गए आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा है ना और फिर शादी हो जाएगी <laughs> <Wow>. <laughs> oh, कोई बात नहीं ऑक्सीडेशन दैट इज प्लस ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूविंग रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक वाइज अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं रिडक्शन रिडक्शन मतलब कि उससे उल्टा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे

आप लोगों ने देखा है जितने भी ऑफलाइन है ऑनलाइन तो कमेंट करेंगे ही करेंगे ऑफलाइन स्टूडेंट्स बताते जाओ यस का देखा है ओके तो किसी किसी लोगों के घर पे इंटेंस, इंटेंस हो गए मतलब कि वेसल्स हो गए घर के अंदर कॉपर की बॉटल होगी कॉपर का मग होगा ओके जिसको हम तांबा बोलते हैं किसी के पास प्लेट होगी पहले लोग कॉपर की प्लेट में खाते थे फिर ये आज का स्टील आ गया है है ना बाकी एक्चुअली में टेस्ट तो आता था कॉपर के अंदर बॉडी के अंदर भी कॉपर होता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी कुछ पोर्शन में क्या होना चाहिए कॉपर डू यू you नो know प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर कॉपर किल बैक्टीरिया कॉपर क्या करता है बैक्टीरिया को किल कर देता है एंड दैट्स व्हाई आरओ की जो भी ऐड होगी ना उसमें भी कॉपर का जिक्र किया जाएगा क्या कॉपर कॉपर के गुण यस yes. हेमा मालिनी आ जाएगी हां की ना देन सो दिस इज द थिंग और वो हेमा मालिनी तो करती है एक्वागार्ड का बट वो प्योरिट में माधुरी दीक्षित आती थी बट अभी वाले बैठ गए ज्यादातर एक्वागार्ड चल रहा है कॉपर मतलब में तो कॉपर वाले अभी कॉपर का डिजाइन वाला पता प्लेटिंग वाला एक नया मशीन इन लोगों ने निकाला है तो कॉपर इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट अगर आप आरो ना लो कॉपर वाला लेकिन अगर आपके पास कॉपर बॉटल है उसमें आप एक रात के लिए पानी रखो तो उसके अंदर से जो भी बैक्टीरिया हो गए हार्मफुल वो क्ल क्ल हो जाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर ए मेडिसिन मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गया जो सबको पता होना चाहिए हेल्थ के लिए दूसरा एक प्रॉपर्टी है कॉपर का दैट इज द इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स व्हाई वेद ने आंसर दिया था कि यस मैंने कॉपर देखा है लेकिन कहा वायर के अंदर तो वायर के अंदर आपने देखा होगा और जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो ही बेस्ट कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है कंडक्टर मतलब की एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिसिटी लाइक वाइज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मतलब एबिलिटी टू पास हीट ओके गॉड आपने देखा होगा एसी के इनर डोर इनर डोर जो होता है वो यूनिट जैसे यहाँ पे है ओके हंड्रेड परसेंट कॉपर का एक स्टिकर लगा के आता है अब देखना एसी के ऊपर इनर डोर्स जो होते हैं ना रूम के अंदर जो लगाते हैं यूनिट उसके ऊपर लिखा होता है या आउटडोर्स में भी कभी कभी लिखा होता है स्टीकर लगा के आता है हंड्रेड परसेंट कॉपर पहले दूसरी कोई पाइप यूज की जाती थी लेकिन अब कॉपर की पाइप यूज की जाती है क्योंकि इसमें भी हीट ट्रांसफर होता है ना रूम में हीट हीट रूम में से हीट एब्सॉर्ब होगा और बाहर के एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा रिलीज होगा तो हीट इन और आउट करना पड़ेगा ना तो उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी है कॉपर की तो एटलीस्ट मैंने आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज की बातें की आपने कॉपर कहीं से देखा है तो आपने यस देखा है ब्राउन कलर का जो हमने मेडल्स देखा है कॉपर उसको कौन से फॉर्म में लेना है पाउडर फॉर्म में चाइना डिस्क के अंदर एंड सोन इन द फिगर फिर हम उसका वायर गेज वाला और फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे त्रिपोर स्टैंड गॉड इज दर्नर उसके ऊपर डिस्क रखेंगे और उसके अंदर कॉपर पाउडर है उसको फिर हम क्या कर लेंगे हीट करेंगे सो वॉट है कॉपर पाउडर कॉपर पाउडर ऑन हिटिंग बर्न करते हो तो किसके साथ रिएक्शन होता है ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्शन है ना बर्निंग हीटिंग प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होती है और एयर में कौन होता है ऑक्सीजन तो एक्चुअली में कॉपर प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होके क्या बनाएगा कॉपर ऑक्साइड आपको पता है ना कॉपर के दो प्लस थे सीयू प्लस था और दूसरा कौन सा था सीयू प्लस टू तो इसमें कौन सा आयन बनता है सीयू प्लस टू और वो सीयू प्लस टू सी ऑक्सीजन के साथ सीयू प्लस टू जो है वो ऑक्सीजन टू माइनस के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा सीयू क्या बनाएगा सीयू और कॉपर में जब दो दो पॉजिटिव स्टेट होते हैं प्लस वन एन प्लस टू इस पॉजिटिव स्टेट को अनदर वर्ड्स भी दिया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा नाम दिया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आप पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हो ना उसका उसी को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन 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 स्टेट 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 जैसे कि ये Cu में 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 क्या क्या है और Cu में क्या है और समझ में आया सिर्फ पहले हम पॉजिटिव चार्ज बोलते थे अब सिर्फ नाम चेंज कर दिया क्या नाम बोल दिया ऑक्सीडेशन स्टेट और ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज्यादा सुनने मिलेगा ये वर्ड इलेवन साइंस ट्वेल्व साइंस में ओके तो ये जो प्लस टू है इसलिए यहाँ पे कॉपर के बाद क्या आ गया टू ये बता रहा है कि इसका प्लस टू वाला आयन कनेक्ट हुआ है अगर कॉपर के साथ प्लस वन वाला होता आयन तो कौन सा ऑक्साइड बनता ए टू इधर चला जाता तो सी यू टू ओ बनता तो, आया। तो हम लिखते कॉपर ऑक्साइड लेकिन यहां पे टू की जगह पे क्या लिखते हैं वन इसका नाम भी कॉपर ऑक्साइड होता लेकिन कॉपर वन ऑक्साइड लेकिन इसका नाम क्या है कॉपर टू ऑक्साइड बात समझ बात समझ में आ गई ओके स्टेट द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड जब आप उसको बंद करोगे तो वो आपका ब्लैक कलर का दिखेगा कौन से कलर का दिखेगा ब्लैक कलर का और अगर इसकी मैं बात करूं वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं है हीटिंग करने से रिएक्शन जल्दी होता है तो तुरंत दिखने मिलता है लेकिन अगर आप कॉपर के यूटेंसाइल्स यूज कर रहे हो उसके बर्तन यूज कर रहे हो है ना और कॉपर का बर्तन सबके घर में होता है वैसे क्यों मुझे अभी याद आया यस मुझे वही याद आया कि हम पूजा करते हैं ना तो एक हमारे पास लोटा होता है क्या बोलते हैं करस यस क्या बोलते हैं करस वो करस जनरली हम किसका चूज करते हैं कॉपर का चूज करते हैं किसका चूज करते हैं कॉपर का गोडीट समझ में आया तो अगर आप उसको देखोगे काफी टाइम तक से वो उसका हमने यूज अप नहीं किया तो उसके अंदर देखना आप ब्लैक ब्लैक कलर के धग्गे लगेंगे फिर मेरी भी मम्मी क्या करती है नींबू वगैरह लेती है और फिर उसको क्या कर देती है साफ कर देती है तो वो चमकने लगता है साइनिंग करने लगता है आया ना मम्मी है तो केमिस्ट्री है पूरे चैप्टर में मम्मी को कितनी बार याद किया है ना मम्मी है तो केमिस्ट्री है किचन है तो केमिस्ट्री है सब जगह पे केमिस्ट्री है आपको सिर्फ ढूंढना पड़ेगा ये सब ने देखा है कि सबके घर में कड़स है हमें ये भी पता है कि कड़स किसका होता है कॉपर का ओके okay? और वो कॉपर जो है कॉपर का नहीं होता तो कॉपर के एलोय का होता है एलोय मतलब कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स मेटल को एक मेटल को दूसरे दूसरे मेटल के अंदर मिक्स करके क्या करते हैं हम नई मेटल बनाते हैं दैट इज नथिंग बट एलोय समझ में आया ना एलोए के बारे में भी समझ लो एलोय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स एक मेटल को दूसरे मेटल के अंदर मिक्स करके नया मेटल बनाते हैं हम बोलते हैं एलोय अच्छा। तो के अंदर भी कॉपर तो होता ही है कॉपर के एलोय में से बनेगा तो कॉपर एक पार्ट होता ही है तो उसकी वजह से वो ब्लैक धगे लगते हैं तो अब आपको समझ में आया कि जो वो कलर्स था उसको हमने खुला रखा एयर में तो एयर में क्या होता है ऑक्सीजन मॉइस्चर मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से जैसे लोहे पे रस्ट लगता है ना वैसे उस पर दग्गा लग जाएगा कौन से कलर का ब्लैक कलर का तो वो ब्लैक कलर का क्या होता है कॉपर ऑक्साइड टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ फ्लोर फ्लोर सॉरी रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर कॉपर के अंदर से कॉपर ऑक्साइड बनने का ये जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप का रिएक्शन है तो अभी हमने बोला कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो बीच रिएक्शन

कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हमने हाइड्रोजन गैस पास किया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा ऑक्सीजन को अपनी ओर लेगा खींच लेगा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया तो वो क्या बनाएगा वाटर, क्या वाटर, एच टू ओ और आपको वापस क्या मिल जाएगा कॉपर तो यहाँ पे कॉपर के साथ कौन था ऑक्सीजन अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कॉपर मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया डिस्प्लेस रिमूव क्या हो गया रिमूव दैट्स दिस रिएक्शन इज नोन एज हम्म देखो डिस्प्लेसमेंट कब आता है जब पॉजिटिव आयन चेंज होता है कौन सा आयन चेंज होता है पॉजिटिव यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो था वो कॉपर की जगह पे किसके साथ गया हाइड्रोजन तो ये तो किसका चेंज हुआ नेगेटिव आयन का चेंज हुआ तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं नहीं डिस्प्लेसमेंट कब आता है जब एक मेटल को दूसरा मेटल चेंज करता है ऑक्सीजन इज नॉट मेटल पता है ना आपको ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल गैस है वो तो ऑक्सीजन इज नॉट मेटल इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे नहीं ओके okay. जो क्वेश्चन था वो मेरा इस तरह था कि कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया मतलब कि क्या रिमूव हुआ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब विच प्रोसेस रिडक्शन तो यू कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होके कॉपर बन रहा है आया और बनवाए पे हाइड्रोजन क्या था अकेला लेकिन यहाँ पे क्या बन गया एच टू ओ तो हाइड्रोजन के साथ कौन आया तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन और इसमें से क्या बन गया एच टू तो CuO ओ का रिडक्शन हुआ और उसमें से Cu बना और एच टू ओ का एच टू का ऑक्सीडेशन हुआ और उसमें से क्या बना एच टू बात समझ में आ गई ओके नेम द रिएक्शन फॉर्मिंग ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड ओके कॉपर फ्रॉम तो कॉपर ऑक्साइड में से क्या बनाया हमने कॉपर The reaction from the copper, uh, sorry, from copper, from copper oxide is reduction. ओके okay? okay, दो बार फॉर्म आएगा हाँ यहाँ पे बट यहाँ पे क्या यस yes, यहाँ पे फॉर्म है और यहाँ पे फ्रॉम है ओके okay? तो ये चीज ध्यान रखिएगा तो द रिएक्शन टू फॉर्म कॉपर कॉपर बनाना है फ्रॉम किसमें से कॉपर ऑक्साइड में से दैट इज नथिंग बट विच रिएक्शन रिडक्शन अभी आपने पहचाना था उसको वट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक्टिविटी थी और इस एक्टिविटी के थ्रू हमें दो रिएक्शन के बारे में पता चला एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन बट द प्रॉपर वे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एग्जाम्पल जो एक्टिविटी में दो इक्वेशन हमने देखे ना वो दोनों इक्वेशन उसके क्या थे एग्जाम्पल्स डेफिनेशन देनी है केमिकल रिएक्शन इन अ सब्सटेंस एटम एंड मॉलिक्यूल गेंस ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। ओके, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम्स या तो कोई भी सब्सटेंस क्या गेन करे ऑक्सीजन हमने बोला एडिंग ऑफ ऑक्सीजन गेन की जगह पे आप लिख सकते हो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या तो फिर सिंपल सा लिख सकते हो गेंस ऑक्सीजन और लूजेस रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन समझ में आया दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर वैसे हमने अभी एक कॉपर प्लस ओ टू गिव सी ओ ऐसा देखा था ना लेकिन बैलेंस नहीं किया था इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे दो ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे भी दो करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर यहाँ पे कितने हो गए दो तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो ही सकता है उसके अलावा सबसे सिंपल आगे भी पड़े हुए हो गए हमें रिएक्शन कम्बेशन रिएक्शन में पड़े थे ना कार्बन को हम कम्बेस्ट करते हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एवरी कम्बेशन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों क्योंकि कम्बेशन रिएक्शन से क्या होगा ऑक्सीजन एड ही होगा ना समझ में आया बट एवरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नॉट अ कंबशन रिएक्शन याद रखेंगे हम तो यहाँ पे कार्बन प्लस ओ2 कार्बन के अंदर क्या ऐड हो रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ओके Mg plus O2 सबसे पहला एक्टिविटी चैप्टर का मैग्नीशियम रिबन वाला Mg plus O2 गिव्स MgO 2 Mg o, लेने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए और O2 था तो 2 MgO तो दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के अंदर कौन ऐड हुआ ऑक्सीजन दैट्स वाई विच रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और वाला तो हमने देखा ही है ना ऊपर था ही, मैं लगा नहीं होगा बट है नीचे इन द okay. अब रिएक्शन समझाएंगे कार्बन मैग्नेशियम एंड कॉपर गेन ऑक्सीजन एंड दैट्स वाई दे अंडर गो विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब दूसरा डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन इन विच सबस्टेंस लाइक एटम और मॉलिक्यूल लूजिस ऑक्सीजन जहां पे गेंस लिखा था ना ऊपर की डेफिनेशन में वहां पे लूजेस कर देंगे और जहां पे लूजेस लिखा था वहां पे तो दूसरा डेफिनेशन बन गया लूजेस ऑक्सीजन और गेन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन है ना रिडक्शन रिएक्शन एक बार एक बच्चा आता है सर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आती है रिडक्शन की नहीं आती है चाटा लगा दिया मैंने उसको क्योंकि तो ऑक्सीडेशन का जिसको आता है उसको रिडक्शन का क्यों नहीं आएगा ऑक्सीडेशन की यस ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में जहां पे गेंस ऑक्सीजन था वहां पे हम क्या कर देंगे लूजेज ऑक्सीजन और जहां पे लूजेज हाइड्रोजन था वहां पे हम क्या कर देंगे तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन किसमें कन्वर्ट हो गया रिएक्शन आपको भी दोनों एक साथ आ जाएगा ना हाइया ना एक ही डेफिनेशन रेडी करो दो के मार्क ले जाओ कितना अच्छा है पढ़ने में तो स्कीम मिलती है बाय वन गेट वन फ्री हैं? चलो गुड अब हम क्या करेंगे दूसरी बात सर डेफिनेशन तो आपने अच्छे से सिखा दिया गेन की जगह पे लॉस करो लॉस की जगह पे क्या करो गेन ओके बट सर सबसे मेन बात एग्जाम्पल एग्जाम्पल को उल्टा करो जैसे यहाँ पे क्या है सीयूओ लो सी को और किस में ऐड कर लो हाइड्रोजन कौन ले जाएगा भाई दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हाइड्रोजन कौन ले जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दो ऑक्सीजन दे दिया तो कौन बचा भाई कॉपर कौन बचा कॉपर बात समझ में आया एच टू को एक ही ऑक्सीजन मिलता है भाई दो हाइड्रोजन हो तब एक ही ऑक्सीजन को उठा सकते हैं समझ में आया अब दूसरा देखो यहाँ पे कौन था सीओ टू उल्टा करना है ना ये तीन तो याद रखने ही पड़ेंगे ना सीओ टू सीओ टू को पकड़ा किसको पकड़ा सीओ टू को ये गलत है प्रिंटिंग मिस्टेक हम सीओ टू कर देंगे सीओ टू को पकड़ा उसको किसके अंदर ऐड किया हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एच टू कितने को लेके जाएगा

ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखो रिवर्स कर दो रिडक्शन का डेफिनेशन हो गया ऑक्सीडेशन के इक्वेशन लिखो एग्जाम्पल में रिवर्स करके क्या एड कर दो एच टू तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा समझ में आया है ना तीन मार्क का इक्वेशन है फटाफट से क्लियर हो गया सीओ सीओ टू एंड एम जी ओ लॉसिस ऑक्सीजन एंड हेंस दिस आर द रिडक्शन रिएक्शन बात समझ में आई Okay. बोलो कोई डाउट अभी हमने आगे एक रिएक्शन देखा था ये वाला रिएक्शन उसमें मैंने ऐसा बताया था कि कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बन रहा है इसीलिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया इसलिए इसका क्या हुआ था भाई रिडक्शन हुआ था बट ये हाइड्रोजन के अंदर एच टू क्या हुआ एड इसलिए इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन के अंदर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ही रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है तो रिडक्शन का E डी ऑक्सीडेशन का ओ एक्स ओनली तो ए बन गया रेडॉक्स रिएक्शन में आया कितना इजी है इजी है ना इजी है कि नहीं है ओके व्हाट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन आपको पूछा गया व्हाट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का फुल फॉर्म लिखना हो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वही से आया था ना रेडोक्स आर फॉर रिडक्शन ऑक्सीडेशन ओके एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल. एग्जाम्पल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंस गेट्स वन रिएक्टेंस गेट ऑक्सीडाइज मतलब एक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड अदर गेट्स रिड्यूस ओके अदर रिएक्टन्स गेट्स रिड्यूस मतलब दूसरे का क्या हो रहा है रिडक्शन देन सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड Redox reaction और oxidation, reduction. सर क्या मैं reduction, oxidation लिख सकता लिखो लिखो कोई कोई नहीं नहीं है ओके? Oxidation पहले लिखो है? Reduction, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. लेकिन यहाँ पे लिखना मत कर देना ना? सर यहाँ पे मना नहीं किया लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों मना कर रहे हो तो एक गलत वर्ड लग रहा है ना है ना ऑक्स रेड ऐसा नहीं रेडॉक्स हाँ यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रहे हो तो चलेगा समझ तो में एक डेफिनेशन हो गया दूसरा डेफिनेशन रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमोटी एक ही साथ दोनों रिएक्शन हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेडोक्स रिएक्शन सर मैं कौन सा डेफिनेशन लिखू दोनों लिखो नहीं तो मरे काम से गए काम से है ना हमें दोनों के दोनों रिएक्शन लिखना है ना गिव मी वन मिनट Okay, तो कोई अगर मुझे पूछेगा कि दोनों में से कौन सा डेफिनेशन तो तो दोनों लिखो, ओके? Okay? ये तो बहुत ही इजी हो गया कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दूसरा रिएक्टेंस रिड्यूस होगा उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे बोलो कोई कोई okay, भाई इन लोगों ने एग्जाम्पल छापे ही नहीं अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा ओके तो मैं मेहनत करता हूं CuO प्लस एच टू तो एच टू किसको ले जाएगा ऑक्सीजन को तो CuO ओ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cu प्लस एच टू ओके सॉरी दूसरा दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जेडेनो ओके सर सर क्या हर बार रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन ही काम आता है तो ना ऐसा जरूरी नहीं है जैसे कि मैं जिंक एक्चुअली में सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड है सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोजन तो एक है ही है जिसके अंदर हाइड्रोजन एड हो जाएगा वो क्या बन जाएगा

तो ये कार्बन भी किसको खींच लेगा कोल भी होता है कोल इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन ओके गुड कोल होता है ग्रेफाइट होता है डायमंड होता है सब कार्बन के फॉर्म है लेकिन जब रिडक्शन की बात आती है तो कोक और कोल यूज किया जाता है तो मैं आया तो चलो कार्बन किसको खींच लेगा ऑक्सीजन को तो बचा क्या जैड एन और कार्बन के पास कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूं फिर आपको सिखाऊंगा इट चलो एम एन ओ टू अब उसका रिएक्शन में मानो कि एच के साथ कर रहा हूं किसके साथ वाउ वाला रिएक्शन एम एन प्लस टू होगा ए टू इसके ऊपर जाएगा तो एम एन प्लस क्या होगा टू होगा ये गलत है एम एन ओ टू नहीं आता है आ, ओके सॉरी एम एन प्लस टू नहीं होगा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है बेटा ध्यान देना देखो केमिस्ट्री में यही चीज है कि एक बार हमने जो मेथड दिखे ना वो लंबी नहीं चलती और लंबी चलती है मेजोरिटी के लिए तो कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं मतलब कहीं ना कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता कोई एक दो कंपाउंड तो ए वाला कंपाउंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है शांति से समझना कैसे तो ए अगर ऊपर जाएगा ऐसे टू के ऊपर तो एम एन टू प्लस बनेगा बराबर ना लेकिन अगर यहां पे वन है तो ये वन ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा और ऑक्सीजन क्या बनेगा माइनस वन ऑक्सीजन कभी भी माइनस वन नहीं होता ऑक्सीजन क्या होता है माइनस टू बट फिर भी उस चीज को अभी हम साइड बाई कर लेते हैं है ना हमें उसको देखना ही नहीं यहां पे आ जाते हैं एच से एल क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंस पता होते हैं तो ही हमें क्या पता चलेगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट हमें रत्ता नहीं लगाना है हमें समझ के लानी है में तो आया तो यहां पे क्या होता है एच प्लस और सेल माइनस वो बात तो फिक्स है अब इसका माइनस इसके पॉजिटिव के साथ जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के याद जाएगा तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो आपको पता है क्या बना देगा एच टू ओ क्या बना देगा एच टू ओ अब एम एन है और Cl है जनरली एम एन प्लस टू होता है आपको वो टेबल में याद रखा होगा नहीं है तो याद रखो और सीएल क्या होता है माइनस नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा एम एन सी एल टू सी एल कितने दो तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा टू हाइड्रोजन दो हो गए गॉट इट लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं दो तो यहां पे ऑक्सीजन कितने होने चाहिए दो तो हाइड्रोजन कितने हो गए फोर तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो सी एल कितने करना पड़ेगा टू समझते जाना अब एम एन कितने हो गए टू तो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा टू तो अब ऑक्सीजन कितने हुए टू टू साफ तो मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा अब ये फोर टू सा कितना हो गया एट तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एट तो वापस सी एल चेंज हो जाएगा कहीं तो इसमें गड़बड़ है देखो ना एम एन ओ टू ही है कोई लेके आता था ना हुँ. रेफरेंस तो बैलेंस नहीं हो रहा है ना कोई तो इसमें जुगाड़ है एम एन ओ टू ही है बोलो बोलो एम एन ओ टू ये ऐसे ही लिखा है फोर एच सी एल एम एन के बाद टू है एम एन टू है एम एन ओ टू फो एच सी एल ओके एम एन ओ बनेगा एक, एक दूसरा एम एन ओ भी होगा हाँ ओके सॉरी एम तो एक ही है ना सी एल सी एल ज्यादा पड़ता है ना सी एल टू बन रहा है ना दूसरा ओके गॉट इट सॉरी यही ए प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा था तो ऐसा रिएक्शन है ये तीन रिएक्शन आपको याद रखना है जो मेरे यहाँ पे छप प्रिंट करके नहीं दिए थे तो मैंने आपको बता दिए अब समझते जाओ तीनों रिएक्शन कौन से है तो पहला रिएक्शन कौन सा है सी यू ओ प्लस एच टू गिव सी यू प्लस एच टू ऑलरेडी ये मैं रिएक्शन एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉपर के साथ कौन था ऑक्सीजन जो रिमूव हो गया इसलिए कॉपर का क्या होगा कॉपर कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा रिडक्शन और H2 के साथ कुछ भी नहीं था लेकिन H2 के साथ कौन आ गया ऑक्सीजन तो इसका क्या होगा बात समझ में आई हा या ना ओके नेक्स्ट वन ये जेडेनो जिंक ऑक्साइड है उसका कार्बन के साथ रिएक्शन जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया क्या बन गया जिंक तो इसका क्या होगा रिडक्शन कार्बन के अंदर ऑक्सीजन एड हो गया तो क्या बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन ए रिएक्शन अब बैलेंस है एम एन ओ टू प्लस फोर एच सी एल गि एम एन सी एल टू प्लस टू एच टू प्लस सीएल टू अब देखो मैंने यही नहीं सोचा मैं बार बार चेंज करता जा रहा था तो भी चेंज हो रहा था बट अब देखो अगर ये एम एन ओ टू है तो हमने पहले क्या लिखा था एम एन सी एल टू प्लस हमने क्या लिखा था एच टू तो ऑक्सीजन कितने थे दो तो हमें यहाँ पे टू एच टू करना पड़ेगा हाइड्रोजन कितने हो गए फोर तो हमें फोर एच सी एल करना पड़ेगा फोर एच सी एल में फोर सीएल है उसमें से दो सी एल यहाँ पे आएंगे और दो सी एल अलग हो जाएंगे तो फिर अगर हमें सीएल टू नहीं लिख रहे थे तो पता है सीएल को चेंज करते थे हाइड्रोजन चेंज हो जाता था हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे एमएन चेंज हो जाता एम एन को बैलेंस करते थे वापस सी एल चेंज हो जाता था बात समझ में आया ना इसलिए हमें ऐसे ऐसा अगर हो तो हमें सोचना है कि जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ रहा है उसको थोड़ा साइड पे कर दे जैसे अब इसमें अगर एमएनओ टू में से क्या बन गया बेटा MnCl2 कहने का मतलब MnO2 में से क्या निकल गया ऑक्सीजन इसलिए MnO2 का क्या होगा रिडक्शन अब H के साथ कौन था वो निकल के कौन आ गया तो हाइड्रोजन के साथ क्या क्या ऐड हो गया ऑक्सीजन मतलब HCl का क्या होगा ओके okay. ये जो चीजें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन की मुझे या मुझे मैं एक्सप्लेन कर रहा था और आपने कुछ-कुछ ममरिंग किया आपने बोला उसको नीचे लिखना है अबव रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड एंड MnO2 आर बीच में यहां पे एक वर्ड आएगा सबका रिडक्शन हो रहा है ना तो यहां पे यह वर्ड आएगा रिड्यूस्ड क्या वर्ड आएगा रिड्यूस आर रिड्यूस टू वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा सीयूओ का क्या बन जाएगा सीयू जेड एन ओ का क्या बन जाएगा जेड एन एमएनो क्या बन जाएगा एम एन सी एल टू तो रिड्यूस टू जेड एन सॉरी सीयू जेड एन एंड एम एन सी एल टू बात समझ में आई रिस्पेक्टिवली While this one, H2 carbon and HCL. H2 carbon and HCL ऑक्सीडेशन हो रहा था ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा एच टू कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड एच सी एल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा ओके okay, आप यहाँ पे एच टू में भी रख सकते हो या एच सी एल में से दूसरा क्या बन सकता है सीएल टू ना तो यहां पर देखो हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन रिमूविंग प्रोसेस मतलब कि अगेन ऑक्सीडेशन ही हुआ तो एच सी एल ऑक्सीडाइज टू वी एल टू रिस्पेक्टिवली आ गया समझ में ओके सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयन कोरोजोन इज ऑल्सो विच रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन तो वही है नेक्स्ट राइट अ नॉट ऑन अरोजोन सो मेटल गेट्स कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज वेल एज मॉइस्चर एसिड एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो क्या होते हैं लगता है उनको मतलब कि रस्ट बनता है उनका दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयन ऑफ आयन यानी कि आयन के ऊपर रश लगता है सब जगह पे रश नहीं लगता है लेकिन आयन के ऊपर रस लगता है काट बोलते हैं जिसको वैसे ट्रेनिसिंग ऑफ सिल्वर सिल्वर है ना हम बोलते हैं सिल्वर झाकू पड़ी गई चांदी झाकी पड़ी गई पता है सिल्वर के जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं ना उसको हम बार बार थोड़ा थोड़ा साफ करवा दे रहते हैं सालों बाद है ना तो वो थोड़ा चमकने लगता है जब साफ करवाते हैं तो नहीं तो उसके सरफेस पे भी ऐसा ऑक्साइड का लेयर बन जाता है उसकी वजह से उसकी जो साइनिंग होती है वो क्या हो जाता है कम उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग क्या बोलते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन सॉल्ट सॉल्ट ग्रीन कोटिंग ऑफ सॉल्ट ऑन द यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर कॉपर पे ब्लैक धग्गे तो लगते हैं बट साथ में ग्रीन धग्गे भी लगेंगे देखना आप माइनोर से ग्रीन कलर के धग्गे हो गए वो किसके हो गए सोल्ट कॉपर कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट सी यू सीओ थ्री उसके लिए कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो पहले Cu क्या होगा Cu ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CuO कॉपर ऑक्साइड में उसके अंदर फिर सीओ टू एनवायरमेंट में से सीओ टू एड हो जाएगा तो सीयू सी यू ओ के अंदर सी ओ टू एड हो जाता है तो क्या बन जाएगा सीयू सी ओ थ्री कॉपर कार्बोनेट ओके वो ग्रीन कलर का होता है सारे के सारे क्या हो गए कोरोजन

और सब मीडिया ऐप पता है सबको थोड़ा सा मुझे चिंगारी देनी पड़ती है वाह पढ़ाने की एक भी वर्ष याद नहीं रहेगी लेकिन वो वाह बेटा वाह हैवी ड्राइवर वो याद रह जाता है है ना वो हैवी ड्राइवर अगर कहीं ठोक देता है बराबर है तो वो कार का क्या होगा कलर निकल जाएगा है ना चलो कोई बात नहीं अब आज का जनरेशन ऐसा है तो मुझे भी ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा है ना याद तो करवाना ही पड़ेगा आपको तो वो क्या होगा कलर निकल जाएगा ना अब कलर निकलने के बाद अगर मॉइस्चर में मॉनसून वगैरह जाएगा तो वहां से रस्टिंग स्टार्ट होगी आपको पता होगा है या ना तो रस्टिंग की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है कहा देखा मेरे कार का डिस्क्रेक तो उसपे रस लग गया ओ ओके okay. तो ये सारे मेटल आर्टिकल सभी चेंज करवाए थे मैंने लास्ट ईयर बराबर जैसे कि इन लोगों ने मेरे कार का ब्रेक ऑब्जर्व किया है डिस्प्लेट तो, मतलब ब्रेक का प्लेट बाहर वो लगा हुआ था कि बाहर था ओके <laughs> तो उसके ऊपर क्या लग गया रस्ट लग गया है ब्रिजिस कभी कभी ब्रिज टूट जाते हैं फिर आयन रेलिंग्स आयस के बार होते हैं पिलर्स होते हैं रेल्स रेल के पट्टे होते हैं पता है ना आयस के सिप्स होते हैं ये सब कोरोजन होता है और सिप में तो कोरोजन ज्यादा होता है क्यों क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है पता है ना तो ये सब कोरोजन की वजह से खराब हो जाता है तो हमें बाय डे बाय डे बाय उसको क्या करना पड़ता है रिप्लेस करना पड़ता है एंड देर इज देर इज देर इज एक्सपेंडिचर ऑन द कंट्रोल द कोरोजन घर में भी हमारे ग्रिल्स होते हैं उसको हमें कंट्रोल करने के लिए सालों बाद एक साल दो साल के बाद ऑयल कोटिंग करवाना पड़ता है देखा कि नहीं मैंने ये विंडो में ऑयल कोटिंग करवाया था बट फिर भी कोरोजन हो गया देखो सोचो समझो अंदर कैसे आया होगा <laughs> बट वो पानी आता है ना मॉनसून का तो कोरोजन हो गया देखना आप देख के जाना और आपके घर में भी यहाँ पे ऐसे कॉर्नर मिलेंगे आपको कि जहाँ पे कोरोजन हो गया होगा आया ना तो काफी बार काफी सारा खर्च हमें करना पड़ता है बार बार उसको क्या करवाना पड़ता है कलर्स अहमदाबाद में राइट ब्रेक हो गई थी लास्ट लास्ट ईयर ही था शायद है ना काकरिया यस काकरिया लेक पे राइड्स थी ना वो राइड्स झुलती हुई राइड्स ब्रेक हो गई थी कैसे हुई होगी किसमें से बनी हुई होती है आय इनर इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं कोरोजन की वजह से उसकी वजह से हो जाता है गौरी और वो अभी एक अभी बहुत व्हाट्सएप आप यूज करते हो तो एक साड़ी में वो पता है ना ग्रांड एंट्री हो रही थी क्रेन के अंदर देखा है है ना और दुल्हा और दुल्हन दोनों गायब हो गए हैं <laughs> उनका आधार कार्ड में से नाम निकल गया सो दैट इज द थिंग दैट इज ड्यू टू द क्रोजन हैवी क्रेन के अंदर वो आ रहे थे क्रेन के क्रेन के अंदर जो चैन होती है किसमें से बनी होती है आयरन मेटल में से क्रैक हो गया क्रोजन की वजह से है ना वो ऊपर से नीचे आ गए चलो न बी प्रिवेंटेड अब रस्टिंग यानी कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम दट कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग द सर्फेस ऑफ आयन या कोटिंग द सर्फेस ऑफ आयन विथ मोर रिए मेटल लाइक झिंक झींक आयन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इसलिए आयन के ऊपर झिंक रखेंगे ना या आयन के बाजू में भी अगर झिंक रख देंगे -E और एिंक तो अगर ऑक्सीजन आएगा ना तो सोचेगा किसके साथ एक्ट करू तो ऑक्सीजन झिंक के साथ एक्ट तो करेगा क्योंकि क्यों? क्यों? जीन क्या है मोर रिएक्टिव तो कौन बच जाएगा तो हजारों लोग एक साथ बैठ के दरिया में जाते हैं फिर घूम के वापस आ जाते हैं तीन चार दिन देखा है ना आपने अपने अपने वो सुना भी होगा बराबर मैं भी जाऊंगा कभी क्रूज में मैं फोटो भेजूंगा आपको दस बारह साल के बाद ओके okay, तो दैट इज द थिंग अब इतना बड़ा क्रूज है मेरे पास अब उसको मैं ऊपर तो ठीक है चलो मैंने डेकोरेट करने के लिए सब पेंटिंग वगैरह कर दिया है बट नीचे से कैसे पेंटिंग करूंगा कितना बड़ा होता है पता है बहुत बड़ा सरफेस होता है उसको कैसे पेंट करे ऐसे निकाल के पेंट करे उल्टा लगा के फिर वापस रख दे तो वहां पे पेंटिंग पॉसिबल और है तो भी उतना वर्थफुल ही नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं मतलब मैं तो नहीं करता हूं लेकिन लोग क्या करते हो गए सिप्स के बड़े बड़े होनर्स तो सिप के साथ जिंक के जो क्यूब होते हैं वो भी तैरते हैं है ना सिप जो होती है ना वो सिप के साथ क्या कर देते हैं वो ऐसे बांध देते हैं जिंक के क्यूब किसके क्यूब बांध देते हैं जिंक तो अब क्या होगा पता है ये चक्कर लगा के वापस आएंगे ना तो जिंक के क्यूब का कोरोजन होगा कौन बच जाएगा आय क्यूब कोरोजन यानी कि ऑक्सीजन एक्ट करेगा ऑक्सीजन जब एक्ट करने जाएगा तो ऑक्सीजन क्या सोचेगा ज्यादा रिएक्टिव मेटेरियल के साथ रिएक्शन कर लो समझ so, में आया इसलिए आयन एफ का दोस्त दोस्त मतलब कि आपका फ्रेंड एफ का फ्रेंड कौन है जिंक है और एफ को बचाने में वो खुद अपने को गवा देता है तो जो वतन के लिए जान गवाते हैं उसको क्या बोलते हैं मैंने कुछ चीज लेनी थी बट मैंने नहीं ली मेरे फ्रेंड को दे दी तो मैंने क्या किया कुर्बानी दी इंग्लिश में बोलो सैक्रिफाइजिंग ओके okay, तो इसको हम बोलते हैं एनोड जिस देखो ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है बताया था ना इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है सेक्रीफाइजिंग एनोड क्यों उसको सेक्रीफाइजिंग एनोड बोला समझ में आया आया अब टेंथ में वो वर्ड्स नहीं दिया है इलेवेंथ में दिया है यही बेसिक से इलेवेंथ में एक वर्ड ऐड हो जाता है और कोई ज्यादा कोई चेंज होता नहीं है समझ तो में आया चलो हम सारे हैवी टाइपर्स हैं डरेंगे नहीं इलेवेंथ ट्वेल्थ में जाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे ओके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बाय कोटिंग आय सरफेस विद द जिंक कॉल्ड ओके आपने वो तो नाम बना था जिंक का क्या नाम हो सकता है तो सेक्रीफाइसिंग एनोड अब हम क्या करते हैं पता है रूख के ऊपर पत्रे लगाते हैं तो वो Gi बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं जी आई सीट जी आई समझ में आया अब जी आई कैसे बोलते हैं गेलवेनाइज आयन उसके ऊपर सिल्वर चमक आती है, है ना तो वो बनाए तो जाते हैं आयन में से लेकिन उसके ऊपर जो सिल्वर चमक है ना वो किसकी है पता है क्रोमियम नहीं होता है वो जिंक होता है कौन होता है जिंक इसलिए उसको कौन सा बोलेंगे हम इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम गेलवेनाइजेशन आयन के सरफेस को किससे कवर करना है जिंक से को डाउट अब होता क्या बताए ये पूरा सरफेस है मानो कि पूरा सीट है अगर यहां से जिंक का थोड़ा लेयर भी निकल गया ना तो भी यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा क्यों बाकी की सरफेस पे अभी भी क्या पड़ा हुआ है जिंक पड़ा हुआ है तो जब तक पूरा जिंक खिला खत्म नहीं हो जाता तब तक आयन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है तो दिस इज द एडवांटेज तो वो जीआई आई सीट्स आपने देखे हैं कि नहीं देखे रूप में यूज करते हैं है ना चलो ओके फटाफट कवर करते हैं अब यहां तक क्लियर हुआ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दो मार्क्स में पूछा जाता है राइट नॉट ऑन अ रेंसिडिटी रेंसिडिटी क्या होता है तो व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज केप्ट इन ओपन एयर फूड कंटेनिंग ऑयल ऐसा फूड जिसके अंदर ऑयल है और फैट्स जनरली हम जो फूड न्यूट्रिशन लेते हैं उसके अंदर फैट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ओके कैप्ट इन द ओपन इन एयर एयर के अंदर उसको खुला रखा जाता है इट गोस विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड बिकम रें जिसको हम गुजराती में बोलते हैं उबाई गु नहीं खाऊ है ना खराब हो गया ऐसा बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंड स्मेल एंड टेस्टेस है, है. ना स्मेल एज वेल एज क्या चेंज हो जाता है टेस्ट है ना इसलिए हम घर घर पर आते हैं मम्मी ने सुबह में जिसकी मम्मी जॉब करती है उसमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है उनके फैमिली में क्योंकि नौ बजे उनको जाना होता है जॉब तो जल्दी से खाना बना के फिर पैक करके चले जाते हैं फिर हम स्कूल से आते हैं फिर ऐसे स्मेल करते हैं अगर स्मेल रेंसिड जैसा नहीं आया तो खा लेते हैं <laughs> है ना तो हम स्मेल क्यों करते हैं समझ में आया अगर वो स्मेल चेंज हो जाएगी तो हमें तुरंत पता चलेगा कि भाई फूड अब खाने लैसा रहा नहीं है क्योंकि उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन ड्यू टू विच दैट स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड

Usually to to avoid rancidity, food containing oil and fat substances are added to prevent what? Oxidation. But sir जाओ ना, आप बोलते हो कि हमारी मोम जॉब पे जाती है खाना खाते ऐसा ही होता है जैसा मम्मी बना के गई थी कुछ भी चेंज होता नहीं है तो मम्मी है बेटा वो केमिस्ट्री जानती है सारा केमिस्ट्री कहा है किचन के अंदर मम्मी सॉल्ट इसीलिए तो डालती है सॉल्ट एन ए सी एल उसका काम टेस्ट लाना नहीं है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन समझ आयो अब मम्मी को जाके पूछना कि सॉल्ट क्यों डाला है ना और बताना मत मम्मी बोलेगी टेस्ट के लिए तो बोलना ये टेस्ट के लिए नहीं है किसके लिए है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए ओके सच सब्सटेंसेस नॉन एज हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस फूड के अंदर ऐड करने हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर ले उसको हम क्या बोलेंगे एंटी ऑक्सीडेंट एंड फूड इन अ कभी कभी खास करके ऐसे फूड जो लंबे हमें चलाने होते हैं जैसे कि अभी हमारी घर में बर्नी बर, हमने, अथाणा है ना तो उसको हम कहा रखते हैं टाइट कंटेनर दैट हेल्प टू स्लो डाउन इन अक्सीडेशन एंड एसिडिटी रिटायर्डेड मतलब कम होना मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेटो चिप्स प्लस अ बैग्स ऑफ चिप आपको पता है पोटेटो चिप्स बालाजी खाते हो ना आप रियल्स खाते हो ना और सबसे ज्यादा लेस खाते हो गए बना होता है कब बना होता है और कितने मंथ के बाद आपके वहां शॉपकीपर के पास आता है दस पंद्रह दिन उसके वहां पड़ा रहेगा और फिर आप लेके जाओगे तब तक वो चिप्स कैसी होती है एज इट इज लेस है तो एजिट इज हो गई बालाजी है तो थोड़ी झली हुई होगी कई ब्लैक ब्लैक हो गया होगा आया ना और कहीं आपको कुछ चिप्स का टेस्ट भी अलग सा दिखेगा बालाजी खाते हो तो ही पता चलेगा लेस खाते हो तो एक ही जैसा टेस्ट आएगा क्योंकि वो कम ज्यादा पैसों में कम देता है और बालाजी कम पैसों में तो एंटीऑक्सीडेंट यूज नहीं करते समझ रहे हो आप है ना ए जस्ट समझाने के लिए मेरे पे केस मत करना ऑनलाइन सुनेंगे तो फिर मेरे पे केस करेंगे <laughs> ओके तो द थिंग इज दैट ए जो ज्यादा लंबे टाइम तक रखना होता है इसको तो उसके अंदर हम बोलते हैं पांच दस रुपये ले लिए और उसमें से इतना सा निकला इतना बड़ा बैग बना दिया और उसमें से इतना सा निकला है ना हवा नहीं होती है वही जो चीज उसके अंदर हवा नहीं होती है ये समझो मैं समझा रहा हूँ हमें ऐसा ही लगता है ना मैं भी जब आपके जैसा था यही सोचता था एक या रोज आके इसको बलून के जैसे फोड़ने का फिर उसमें से इतो सा ही निकलता है ना तो उसके अंदर एयर नहीं होती है हवा मानते लेकिन एयर नहीं होती है नाइट्रोजन गैस होता है कौन सा गैस होता है हवा होती तो ऑक्सीजन होता ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीडेशन हो जाता तो पोटैटो चिप्स भी कर जाते वन में आया ना इसलिए क्या होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स गैस सच एज इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस एज एंटीऑक्सीडेंट्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ विच चिप्स पोटैटो चिप्स मजा आया ना ओके व्हाई डस द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ए सॉल्यूशन चेंज ओके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बुलाओ उसको Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? Copper sulfate solution हमने आगे पढ़ा था पता है वो test tube A, test tube B, test tube B के अंदर हमने क्या लिया था? Iron, mm -hmm. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही लिया था लेकिन एक के अंदर हमने क्या किया था आयन पुट किया था और वो अगर exactly आपको एक्टिविटी याद है तो हमने बी के अंदर किया था ए को हमने सिर्फ कैप साइड में रखा था तो वहां पर ब्लू कलर कौन से कलर में चेंज हो गया था लाइट ब्लू तो वेन आयन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयन बीग अ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द सोलूशन एज अ रिजल्ट आयन सल्फेट इज फॉर्म विच इज अ ग्रीन इन कलर ओके okay, समझना okay, गलत हो रहा है यस yes, हाँ आई एन बींग मोर रियक्टिव कॉपर एंड इट डिप्लेस द दिन ओके हमने जब एक्टिविटी पढ़ा था तब हमने यही बोला था कि कॉपर सल्फेट का कलर लाइट ब्लू हो रहा है समझ so, में आया आगे हमने कुछ पढ़ा था नहीं था लेकिन एज अ रिजल्ट सल्फेट इज फॉर्म आय सल्फेट इज फॉर्म हमने एक दूसरी चीज वहां पे मेंशन की थी देखो दो चीज मेंशन की थी कौन सी एक तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर से क्या हो रहा है लाइट ब्लू ऐसा बोला था और हमने ऐसा बोला था कि वो जो नेल था उसके ऊपर कौन सा लेयर लग रहा है तो ब्राउन बट हमने ये नहीं बोला था कि सॉल्यूशन का कलर आगे कैसा होगा तो मैंने आपको बताया था कि वो ज्यादा ब्लू होता है फिर मैंने बोला था कलरलेस हो जाएगा फिर मैंने बोला था कि पे दो ही नेल थी इसीलिए सिर्फ और थोड़ा ही ट्वेंटी मिनट्स का ही टाइम दिया था इसलिए ब्लू कलर का सिर्फ कैसा हुआ लाइट ब्लू अगर आप उसका टाइम बढ़ाओगे

the color of copper sulfate solution changes give the example of double displacement reaction other than the one given in the activity activity ke alawa ka example dena to dekho ye raha naco3 naco3 a naco3 that means sodium कार्बोनेट ए ना कोथरी देखो दो कोथरी होते हैं एक होता है नटू कोथरी यहाँ पे वही होना चाहिए Na2CO3 होना चाहिए ये गलत है ए नटू कोथरी है ना कोथरी नहीं है एन ए टू यहाँ पे टू होना चाहिए ओके क्यों क्योंकि सीओ थ्री टू माइनस होता है ना एन ए प्लस होता है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी और दूसरा होता है नटू हाथमा कोथरी अल्लाह हसो सही है एक नटू कोथरी और एक Na2 हाथमा कोथरी कोथरी ओके ये दोनों कोथरी बहुत ही अच्छे है ये दोनों के दोनों लिसन चलो मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है दोनों के दोनों सोडा है क्या है सोडा कौन से सोडा तो ये जो नटु कोथरी है ना नटु कोथरी और एक नटू ना कोथरी हाथ में हो तो खाने का हाथ में हो तो खाने का नहीं तो धोने का क्या सेंटेंस है हाथ में हो तो नहीं तो धोने का मतलब ये हाथ वाला जो है ना दैट इज बेकिंग सोडा विथ सोडा बेकिंग ओके और दिस नटु कोथरी नटू ने धोवानो मतलब वॉशिंग सोडा बात समझ में आया ये दो कोथरी याद रखने हैं केमिस्ट्री के अंदर वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग एनए तो टू सीओ थ्री सी ए सी एल टू कैल्सियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन इसका प्लस उसके माइनस के साथ तो क्या बना देगा सी ए सीओ थ्री कैल्सियम कार्बोनेट और इसका माइनस उसके प्लस के साथ एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड जो आपने यहाँ पे लिखा उसको एक्सप्लेन करो वेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द कैल्सियम क्लोराइड इट फ्रॉम प्रेसिप्रेट्स प्रेसिप्रेट्स इसके बनेंगे ये सॉलिड आएगा एक्वेसिस नहीं आएगा ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का नहीं बनेगा वो में चला जाएगा दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ कार्बोनेट कार्बोनेट देखो और के हुआ एंड फॉर्म्स विच कंपाउंड टू न्यू कम्पाउंड एंड दिस इज नथिंग बट विच रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइडेंटिफाई सबस्टेंसिसक्सीडाइज एंड सब्सटेंसिस रिएक्शन देखो Na प्लस एनए टू ओ एन ए के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है एड तो वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज तो इन दिस रिएक्शन सोडियम मेटल इज ऑक्सीडाइज टू वॉट Na2O टू ओ एन ए के अंदर ऑक्सीजन एड हो गए क्या बन रहा है Na2O टू ओ तो एन ए सोडियम मेटल कन्वर्ट हो रहा है Na2O टू ओ में यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके अंदर एन ए टू में जनरली कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता ही है अकेला रिडक्शन अकेला ऑक्सीडेशन कभी पॉसिबल नहीं है तो अगर इस रिएक्टेंस का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन तो इसका क्या होगा तो इज ओके okay? अभी आपको नहीं समझ में आएगा जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वहां से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा लेकिन मैंने आपको थोड़ा आगे भी सिखाया है तो देखो मैं समझाता हूं ये जो एन है वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा एन ए प्लस बाई लूसिंग वॉट इलेक्ट्रॉन और ये जो ऑक्सीजन है वो ओ टू किसमें कन्वर्ट होगा तो दो ओटू है ना दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ओटू माइनस एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए चार और कितने O2 बनाएंगे दो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन लूसिंग ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग मतलब विच प्रोसेस अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा सिर्फ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से उससे इसका रिडक्शन समझ में नहीं आएगा ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे ना या ऑक्सीजन दूर हो रहा है ना तो फिर इसका रिडक्शन कैसे तो इसका रिडक्शन ऐसे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन ए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज तो ए इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना एनए प्लस और रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा इलेवंथ तो में आ ही जाने वाला है लेकिन आपको अभी इतना तो समझ में आया ना कि एने के अंदर ऑक्सीजन एड हो रहा है तो एने का क्या हुआ ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा रिडक्शन चलो सी यू ओ एंड एच टू ओ ये तो हमें पता ही तो सेट हो जा रहा है कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा रिड्यूस ओके किसके अंदर कॉपर एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो एच टू ऑक्सीच टू ओ एंड इसके साथ यस वेपर फॉर्म में हो तो गैस बोलो कोई डाउट है ना जल्दी से बता दो कोई भी डाउट है तो